गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज हम लोग जाने वाले हैं जरना, क्योंकि आज है मंडे एंड मम्मी लोग का दुकान बंद है। सो हम लोग ये शायरी बन गया, आज है मंडे और मम्मी लोग का दुकान बंद है और हम लोग जाने वाले हैं जरना। सो एंजॉय करिए, आप लोग भी वीडियो का लास्ट तक देखिए और काफ़ी मज़ा आने वाला है जरना में। हम लोग खूब इंजॉय करने वाले हैं और आप लोग भी वीडियो को देख के इंजॉय कीजिए। और पर रेडी कर चुका है बैग, एक्स्ट्रा के बैग रेडी कर दिया है। अभी इसका अंदर है हमारा कपड़ा और टावल भी डालना है, अभी तक हमने टावल नहीं डाला है। और मेरा ईयरपोस, क्योंकि वहाँ में कोई डांस वीडियो बनाना, उधर जरना में टावल आएगा नहीं है, तो ईयरपोस पहनना पड़ेगा हम लोग को, ईयरपोस नहीं ईयरबड्स पहनना पड़ेगा। तो ओके, डाल देते हैं टावल को, बैग आज इतना फुल नहीं है। फिर मेरा नॉर्मल कपड़ा ये था गंदी, ऐसे भी है ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड मुझे कह रहा था ईयरबड्स और मेरा मोबाइल, ईयरबड्स और मोबाइल रखा रखा है। ओके, तो निकलते हैं गाड़ी में। गाइस अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड गाड़ी में इतना गर्म है, पेट से लेकर पूरा पूरा पाँव से लेकर हर एक चीज़ जल रहा है। ऐसे भी मेरा पाँव में देख सकते हैं आप लोग, मैं हाफ पैंट पहना है, ये पूरा इधर टच होते ही इतना जल रहा है आप लोग। सो नहीं, इतना धूप इतना ज़्यादा है ना अब। और ओके सो गाइस, बहुत गर्म है। मम्मी क्या आपको गाड़ी में गर्म लग रहा है? बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन अभी ठंडा हो जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ना। सो हम लोग जा रहे हैं झरना एंड झरना में तो हम लोग नहाएंगे, इसके नीचे बैठेंगे एंड पाया झरना। ओके, हम लोग जा रहे हैं पाया झरना एंड रास्ता तो काफ़ी अच्छा ही है अभी उधर तक, सिर्फ कुछ रास्ता ख़राब हो क्योंकि अभी तो हाईवे बन चुका है, हाईवे तो बन चुका है। पाया पहुंचने में लगेगा हम लोग को 25 मिनट एंड और झरना पहुंचने में तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस ये देखिए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल जंगल एरिया है और ये देखिए बीच बीच में घर लोग, इतना सुंदर दिख रहा है नज़ारा। कर देते हैं आप लोग को एक सिनेमेटिक शॉट करके दिख, काफ़ी सुंदर था नज़ारा एंड अभी भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर है नज़ारा। तो अभी तो काफ़ी दूर है, हम लोग यहाँ पे गूगल मैप में देख रहे हैं और यहाँ से आगे से टर्न लेफ्ट बोल रहे हैं, तो मिलते हैं और कुछ देर बाद। गाइस और नचल का रास्ता पूरा पहाड़ी पहाड़, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, ये देखिए वाह, ये देखिए वाह, नज़ारा तो काफ़ी ही सुंदर है, काफ़ी सेटिस्फाई है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं ब्रिज, अब यहाँ से भी काफ़ी आगे जाना है और यहाँ पे देखिए आई लव बेने लिख के रखा है, ये देखिए वाओ काफ़ी सुंदर। और हम आते समय यहाँ पे रुकेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, हम गाइस जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ गाइस ये देखिए पानी का नज़ारा, काफ़ी सुंदर, चलते हैं। एंड वाला ब्रिज हम लोग एक बार आया था, पहले भी आ चुके हैं इस ब्रिज पर। आप लोग भी आने से राइट टर्निंग लीजिए, बोर्ड आप लोग को दिखाई देगा, उसके बाद ऊपर एक चढ़ने वाला रास्ता होगा, उधर में राइट टर्निंग लीजिए। हम लोग भी बहुत कंफ्यूजन में था, उसके बाद एक आदमी को, हम लोग दोस्त एक पापा का, उनको पूछा है, उसके बाद हम लोग को पता चला है रास्ता इस तरफ है। ओके तो अभी तो रास्ता थोड़ा ठीक ही हो गया, अभी इतना ख़राब नहीं है और हम चल रहे हैं। गाइस अभी हमने थोड़ा चिप्स ये सब भी ले लिया, आगे दुकान था और पूरे ये सब जितना है बिंगो ये सब कुछ ले लिया है। अभी हम निकल रहे हैं गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अभी अपना वाटरफॉल और काफ़ी आवाज़ भी आप लोग को आ रहा होगा, तो काफ़ी सुंदर है वाटरफॉल। लोग भी जा रहा है अंदर, ये देखिए कुछ इस तरह है एंट्री, वाह काफ़ी सुंदर, वो देखिए ऊपर से। अभी मैं निकल रहा हूँ उसका, पापा जा रहे हैं
वाह बढ़िया। तो गाइस ये देखिए हम लोग इंजॉय करते हुए एंड इनके कपड़े पूरा भीग चुका है और दीदी तो नहीं जा रहे हम भी उधर जा रहे। तो गाइस आप लोगों को पता है कि पानी इतना पावरफुल नहीं देखे हाथ दाढ़ी लाल पड़ गया कान वान ऐसे लगते ना चक 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 वो भी आप लोग ये साइड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अभी यहाँ तक पानी आ रहा है मोबाइल में भी पानी जा भी सकते हैं खराब है। तो चढ़ने वाले वो देखे अभी दो सौ आने के बाद थोड़ा खुरखुरे खा रहे हैं। यहाँ पर एक बैठने के लिए हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट भी करके रखा है। यहाँ पर हमारा बैठने के लिए भी देखे रखा और अपनी काफ़ी सारा कचरा है जहाँ का फेंक देते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डस्टबिन दिया गया है फेंकने के लिए। ओके गाइस अभी काफ़ी थक चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। ओके सो बहुत थक गए और देखिए मूवी काफ़ी वाइल्ड हो गई बिना फिल्टर का है। ये देखिए गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग। और वन टू थ्री ओके बाय बाय। काफ़ी मज़ा आया आज इस ब्रिज में मतलब ब्रिज नहीं मतलब वाटरफॉल में काफ़ी आज मज़ा आया है। ब्रिज तो आगे चला गया बाय बाय। काफ़ी इसमें मज़ा आया आज तो और खांसी भी लगी है मुझे एंड क्या बोल गए इतना बदन अभी ठंडा से आया तो यहाँ में आया तो आग का अंदर घुस गया जिससे लग रहा है एकदम। गाइस नीचे रिजॉर्ट काफ़ी सुंदर था फिर से उसी दरवनार रास्ता में हम लोग चल रहे ये देखिए। लेकिन हम लोग को अभी तो नामने समय इतना प्रॉब्लम नहीं हुई उठते समय काफ़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी उठते समय आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जिनके गैस सब लोग जा रहे हैं बीच रास्ते में है एंड काफ़ी इंजॉय किया आज तो आज का मंडे काफ़ी अच्छा गया है। सो अभी हमारा मोमो पक चुका है ये देखिए। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ एंड कपड़ा भी चेंज कर लिया है और जैसे कि काफ़ी थकते हुए और फ्रेश भी थोड़ा कर लिया है। फ्रेश तो पहले से हो गया था लेकिन और भी फ्रेश हो गया। सो अभी मम्मी ने बनाया है मोमो जैसे कि मैंने आप लोग कहा था मैंने चिकन लिया था मोमो के लिए। सो यहाँ पर अभी पक चुका है सिर्फ आप लोग अभी खाने वाले खाना है एंड उसके बाद मैं वीडियो को भी एंड कर दूंगा क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा जाए। अभी बन चुका है हमारा मोमो एंड अभी खाने के लिए भी रेडी हो चुका है तो चलिए खाते हैं। ये देखिए मोमो विद चटनी मोमो विद चटनी और चटनी सॉस चटनी एंड तारक मेहता देखते हैं कि हम लोग मोमो खा रहे हैं चलिए खाते हैं। ओके गाइस तो अभी हमारा मोमो खा चुका है एंड मोमो काफी ही अच्छा बना है काफी ही अच्छा काफी सॉफ्ट बना है एंड इसका अंदर का स्टफिंग भी बहुत अच्छा है। सो हम लोग इंजॉय करते हैं मोमो का आप लोग इंजॉय करिए वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।